झांककर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। अस्पताल यूपी के हों, राजस्थान के हों, झारखंड के हों या मध्य प्रदेश के या फिर राजधानी दिल्ली के, सभी अस्पतालों की दुर्दशा एक जैसी है। सभी जगह बदहाली है। कहीं पर बच्चे मर रहे हैं, कहीं पर महिलाओं का प्रसव बाहर हो जा रहा है, कहीं पर मरने के बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आए दिन ये खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत में कोई सुधार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग हिंदू मुस्लिम की बातों में लगे हुए हैं और उस मुद्दे पर जब आ जाते हैं तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। शिक्षा का भी हमारे देश में यही हाल है, जो कि अस्पतालों का है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कस्तूरबा गांधी अस्पताल की, जो कि जामा मस्जिद के पास है, जिसको मछली वाले अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है। महिला के लिए ख़ास अस्पताल इसको माना जाता है और यहाँ पर महिलाओं का प्रसव हुआ और ये तमाम चीज़ें उनका गर्भ धारण होने के बाद से, गर्भवती होने के बाद से वो सब प्रक्रिया वहाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज सुबह यानी कि आज 11 सितंबर में ऐसा वाक्य पेश आया जिसने कि दिल्ली को शर्मसार कर दिया और पूरे अस्पताल प्रशासन को उससे खैर कोई शर्म नहीं आई। अगर जांच हो तो जांच के बाद उनकी जिम्मेदारी जो डॉक्टरों की है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारे एक साथी वहाँ पर थे, उन्होंने पूरे मामले को कैमरे में कैद कर लिया। हुआ यूँ कि 6:30 बजे सुबह के एक आदमी जो मजदूर है और रेलवे कॉलोनी में काम करता है, इलाहाबाद का मूल रूप से रहने वाला है, अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल पहुँचा और अस्पताल पहुँचने के बाद इमरजेंसी में गया और कहा कि उसकी पत्नी को जो है प्रसव पीड़ा हो रही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पहले पर्चा बनाओ, ये करो, फलाना ढिकाना, इन सब चीज़ों में उसको लगाए रखा। वो सुबह के 6:30 से 9:30 बज गए और वो इधर उधर बेचारा भटकता रहा, उसका पर्चा नहीं बना। उसका आरोप है, वो वीडियो में बोल रहा है कि पैसे भी उससे मांगे गए। हुआ ये कि 9:30 बजे के करीब उस महिला ने अस्पताल के खुले मैदान में, जहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद थे, उसी में उस बेचारी ने प्रसव हो गया और बच्चा जो है वो सीढ़ियों से गिरता हुआ, लोगों का जो कहना है, वो नीचे आ गया। खैर, उसके बाद जब जानकारी मिली तो डॉक्टर जो है आनन फानन में हरकत में आए और उस महिला को, उसके बच्चे को अस्पताल में ले गए। लेकिन अब सोचिए कि हमारी सरकार जो है जननी सुरक्षा योजना के बड़े बड़े दावे कर रही है, सेंटर हो चाहे स्टेट हो, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर प्रसव अस्पताल में जाके कराएंगे तो महिला को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन साहब, जब अस्पताल में महिला जा रही है तो वहाँ तो उसकी कोई सुध ले ही नहीं रहा है। तो ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, ऐसे जो स्टाफ हैं और लोगों का जो साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों का होगा क्या? आइए हमारी, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्या आज सुबह कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम ये घटा। थोड़ा इन सब चीज़ों से सबक लीजिए और इन पर बोलना सीखिए, क्योंकि देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर सरकारें कोई सुविधाएं आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं देगी तो फिर होगा क्या? जो पैसे वाला आदमी है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है, मोटे मोटे पैसे खर्च करता है, आलिशान जो है वो रूम लेके उसमें स्टे कर लेता है, अपना इलाज करा लेता है। लेकिन गरीब आदमी जो है वो किसी तरीके से अस्पताल पहुंचता है और इस आस में पहुंचता है कि सरकार ने सरकारी अस्पताल बनाए हैं और यहाँ पर उसको एक सुरक्षा मिलेगी, उसको एक उपचार मिलेगा और वो यहाँ एक अच्छे डॉक्टरों की देखरेख में होगा। लेकिन जब डॉक्टर ही जो जीवन का रक्षक है वही लापरवाह हो जाए, उदासीन हो जाए, या हम कहें कि उनके अंदर मानवता मर जाए और वो उसको ना समझें अपनी ड्यूटी को, तो क्या होगा? अब इसमें यही है, हमारी इस खबर के बाद हम चाहेंगे कि इस पर मामले को संज्ञान लिया जाए सरकार की तरफ से। आओ चलो, हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के कस्तूरबा हॉस्पिटल में, जो मछली वाले के नाम से फेमस है। यहाँ पर ऑन द स्पॉट एक लेडीज़ ने अपने बच्चे को अस्पताल के सड़क पर जन्म दिया है। उन्हें इमरजेंसी से भगा दिया गया था ये कहकर कि पहले कागजों की कार्रवाई की जाएगी। महिला और बच्चे की दोनों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है। चलो अब हम ले चलते हैं आपको अस्पताल के अंदर मौजूद भीड़ के पास।
भीड़ काफी सपोर्ट कर रही है महिला को और उसके घर वालों को सपोर्ट कर रही है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। सब पैसे ले लेकर काम होता है यहाँ पर, हर एक चीज में पैसे, हर चीज में पैसे, हर एक चीज में पैसे का बिहेवियर ठीक नहीं है यहाँ पर। मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये देखिए, ये जस्ट ये नया बाहरी रोग खंड कस्तूरबा अस्पताल के सामने है। देखिए सारी भीड़ जो है काफी परेशान है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, ये भीड़ जो है काफी परेशान है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उसके हस्बैंड के साथ जो इस टाइम पर पेशेंट को लेकर आए हुए थे। ये इसका हस्बैंड है, देखो इनके हस्बैंड के बारे में हम सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो आप क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार। राजकुमार भाई साहब, तो क्या हुआ था, कैसे ये हादसा हुआ आप बता सकते हैं मुझे? जी सर, मैं 6:30 बजे आया था यहाँ पे और मैं बोल रहा था कि जा करके वो आते हैं वहाँ इमरजेंसी अस्पताल में। मैं 4 बार गया, कोई मेरा सुनवाई नहीं किया। उधर से जो लेडीज डॉक्टर जो गेट पे बैठती है वो लोग मेरे को बोले कि जा करके वहाँ से पर्ची बना के लाओ। मैं बोला कि सर ऐसा है कि मेरा क्या है, मरीज अभी नीचे आ चुका है, इसके आप अंदर ले लीजिए, मैं बाद में पर्ची बना के आपके दूंगा। कोई नहीं सुना, लास्ट में मेरा रोड पे बच्चा पैदा हो गया, बच्चा के थोड़ा सांस में दिक्कत आ रहा है। कि किस तरीके इस टाइम आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? गाड़ी भी मैं लेके आ रहा था, वो भी मेरी गाड़ी छीन ली, हाथ से नहीं आने लगे। तो आपसे पैसे की भी डिमांड की यहाँ पर? हाँ, मैं पैसे भी देने के पैसे भी मांग रहे थे, मैं देने को कभी कार हुए फिर भी कि नहीं ली। तो इस टाइम आप क्या चाहते हैं बताइए? क्या मैं सब कार्रवाई चाहता हूँ? तो आप इस टाइम पर क्या चाहते हैं बताइए? हर एक चीज की कार्रवाई हो, सही हो। मैं सर यही चाहता हूँ कि सब कार्रवाई हो, थोड़ा हॉस्पिटल का ये सही कम से कम कानून चले, गार्ड पैसे पर। हमारे भी मरीज बड़े हुए हैं, हमें भी यहाँ तीन चार चार दिन से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई सारे के सारे इनको 5 रुपए लगते हैं पर्चा बनाने के, इनको 50 रुपए देना पड़ते हैं पर्चा बनाने के लिए, करवाने के लिए 100 रुपए अलग से देना पड़ते हैं। इन गार्डों को यहाँ का कोई डाली समझ में नहीं आता, सारे के सारे ओपीडी के पर्चे बनने के बावजूद भी 5 दिन इमरजेंसी में। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये देखो मरीजों की तीमारदारी के मरीजों के साथ जो आते हैं तीमारदार, उनका कहना है कि यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो पैसे ले देकर काम करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मोहम्मद मुगीस नाम है। हमारे दोस्त बंगाल में रहते हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले मेरी बेटी के पेट में बच्चा मर गया, आप चले जाओ। मैं पहुंचा 3 बजे, उनकी बीवी है वो बंगाल में रह रहे हैं, 3 बजे से हम लोग यहाँ ही पड़े हुए हैं। वो पेट में बच्चा मरा हुआ, 3 अल्ट्रासाउंड करा दिए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये सिस्टम है हमारा, हम सिस्टम से काम करेंगे। अब ये बताओ, 10 दिन बता रहे हैं कि 10 दिन से बच्चा पेट में मर गया, अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लड़की का बाप और उसका शोहर बंगाल में है, हम पड़ोसी हैं, उन्होंने फ़ोन किया, मैं आ गया। और जब रात मिलने के लिए डॉक्टर से गया, लेडीज़ डॉक्टर थी, उसमें जाने का अलाव नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की, थोड़ा बाहर आए, मिला तो इतनी बुरी तरीके से बदतमीज़ी से पेश आई, इतनी बुरी तरीके से जो मैं बता ना सकता। मेरे साथ में ही एक इन्हीं के स्टाफ के उधर ब्लड टेस्ट करे हैं, सुनिए, ब्लड टेस्ट करे हैं, वो आए हुए थे, उन पर भी वो भड़की, वो कहने लगे मैडम मैं स्टाफ का आदमी हूँ, उन पर वो ठंडी पड़ी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर इस तरीके से मरीजों से बदतमीज़ी से पेश आएंगे, हम तो पड़ोसी हैं उसके, पड़ोसी से पूरी रात मैं यहाँ पड़ा रहा हूँ रोड पर, पड़ोसी होने के बावजूद दोस्त का फ़ोन आया था। तो ये चाहते हैं डॉक्टर मरीजों से अखलाक से पेश आवे, अच्छे तरीके से हमें समझावे, तसल्ली हो जाएगी। अब मुझे बताओ कौन सा पूरे हिंदुस्तान में ऐसा डॉक्टर है 10 दिन तक पेट में बच्चा मरा पड़ा रहे और उसके बदन में इन्फेक्शन ना हो, ये डॉक्टर रोक लेंगे, अगर इन्फेक्शन हो गया ये तो बाहर भगा देंगे, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा अगर कुछ हो गया? ये कहना चाहता हूँ। चलो ये जो सारी हम आपके